Hello guys, welcome and welcome back to my channel Vision Lab. So today I'm sharing with you another vlog. So मैं आज जा रही हूँ अपने घर और नानी के घर, आप कह सकते हो. सो इतना ब्यूटीफुल लगता है ना यार रात में. आप ये जो देख रहे हो यहाँ से, मतलब पूरी पिथौरागढ़ दिखती है नीचे, और रात में तो माय गॉड लाइक अ जन्नत जन्नत. पिथौरागढ़ को ऐसे ही छोटा कश्मीर नहीं कहते हैं भाई. कुछ तो रीज़न है. सो बहुत खूबसूरत, मीन्स यार आँखों को ना लाइक सुकून देने वाला फील होता है वहाँ, ऐसा नहीं है. और मौसम की बात कहूँ तो बहुत अच्छा है, मैंने बार बार बताया है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ. हल्द्वानी से ज़्यादा मौसम अच्छा है. प्लेन्सों में तो यार हालत ख़राब हो ही रही है, हल्द्वानी में भी फिर भी है, थोड़ा बहुत है मौसम ख़राब. सो यहाँ से पूरा दिखता है. जब हम रात को यहाँ पर आते हैं ना तो इतना मस्त दिखता है, मतलब लाइक bomb.com, मतलब कोई तोड़ी नहीं है, मतलब कोई तोड़ी नहीं है उस चीज़ का. सो बाय द वे, सरकार के सौजन्य से यहाँ पे एक जेल भी बन रही है किसी बीच के एरिया में, और यहाँ का एक ये होटल है जहाँ से भी नीचे बहुत अच्छा व्यू दिखता है, और इसका नाम है मेघना. और लाइक एक तरीके से ना टूरिस्ट प्लेस है हमारे घर के एरिया में, और ये यहाँ पे बीच में इस तरीके का जंगल नहीं कह सकते हो, वैसे लोग रहते हैं यहाँ, बहुत आबादी है, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पर ना. फोटोशूट, ओ माय गॉड फोटोशूट यार बहुत खूबसूरत होता है. मतलब यहाँ ना आप कहीं पे खड़े हो जाओ, कहीं पे भी लाइक मतलब आपको एक शूटिंग एरिया मिल जाएगा कहीं भी. आपको ये नहीं कि अरे यार कैसे करें क्या करें, कहीं भी खड़े हो जाओ मीन्स एक मस्त शूटिंग एरिया मिल जाता है आपको. और हम यहाँ तक ना पहले पैदल आया करते थे जस्ट घूमने वॉक करने के लिए. और यहाँ पर का जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पे सारे चारों तरफ पेड़ हैं, और यहाँ पे हमारे घर के जस्ट बगल में ये पावर प्लांट है बहुत बड़ा सा, जहाँ मतलब लाइट बनती है, बिजली बनती है. यहाँ से आई थिंक शायद बरेली जाती, कैसे जाती होगी यार, व्हाट्सएप करते होंगे क्या. सो जोक्स अपार्ट, सो यहाँ पे जस्ट हमारे घर के ही पास में है. पहले यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे पूरा जंगल था यहाँ पे हमारे सामने पे ये बना, और हमने इसे देखा और जस्ट बस पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन में. और ये है मंदिर जस्ट हमारे घर के सामने, बहुत बड़ा मंदिर है. बस इस जगह को ना थोड़ा सा डेवलपमेंट की जरूरत है, और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. तो निकलो वाल तुम भी यहाँ से, तुम्हारा भी कुछ काम नहीं है वाल. तुमसे भी निकलो वाल. हेलो 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 गाइस, हेलो 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 करो करो, हेलो हेलो करो, हेलो करो, बेइज्जती करवाओगे अभी. हेलो गाइस ये बंद करो, तुम करो हेलो, हेलो करो, हेलो करो, फिर मिलेगा. नहीं तुम्हारे बस की नहीं 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 गरीबी रेखा वाला कुत्ता, ये गरीबी रेखा वाला कुत्ता है, और ये ये WWF चलो चलो शुरू करो. चलो ये स्टार्ट करो. हेलो
गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत देर बाद वेलकम हो रहा है एक्चुअली, है शाम हो गई है, बट देखो यार शाम को भी यहाँ कितना अच्छा मौसम है। वो देखो सनसेट हो रहा है और मस्त आग वाग सेक रहे हैं और बैठे हैं जस्ट चिल। मिल रहा है, रुको रुको अभी मिलेगा। अरे रुको अभी मिलेगा, अभी मिलेगा तुम्हें, मिलेगा रुको मिलेगा। तुम्हारे तो आँख भी नहीं दिख रही है, तुम्हारा स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं लगा, आँख नहीं दिख रहा है तुम्हारा। लो भैया क्रिसमस केक खिलाओ। लो क्रिसमस केक, क्रिसमस केक खा रहे हैं ये एक साल को खाते नए साल के बाद। अच्छा ही हो रहा था उस दिन तो। बेइज्जती नहीं करवाओगे? हेलो चलो फिर एक कान के नीचे चाटा भी बनता है। हेलो करो। सो मैंने उसके बाद थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सप्लोर करी, मेरी मौसी उनका बिजनेस करती हैं सो मैं कर ही लेती हूँ हर साल जब भी आती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाती हूँ और देखती हूँ कैसा है, कुछ नया आया क्या। उसके बाद हमने किया है डिनर रेडी और बाहर पे ही आराम से आग में बनाया हमने। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी से वाइब आती है। ये चावल के आटे की रोटी है, रोटी कह लो माड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, तो मतलब उसको लाइक एक डोसा काइंड, पहाड़ी डोसा, और बहुत टेस्टी लगता है, फुलफिल होता है, हेल्दी होता है एंड आग में पकाया हुआ तो बात ही कुछ और है। सो इसे हम किसी भी लाइक ग्रेवी अगर आप सब्जी के साथ खा रहे हो तो ये बहुत अच्छी लगती है। बाप रे घेर देखो पेटीकोट का कितना घेर है। हेलो गाइस कौन है? हेलो गाइस बोलो बोलो, हेलो गाइस बोलो। सब तुम्हारा ऑलरेडी पहले का रिकॉर्ड हुआ है, वो डाल दूंगी मैं अभी। बोलो हेलो गाइस बोलो, सबको हेलो बोलो, देखते हैं सब को, देखना ना सब देखते हैं। हेलो बोलो बोलो, सब कहाँ कर रही हूँ फिर मैं, हेलो बोलो वहाँ से कहाँ लूंगी, ऐसे करके लूंगी ना। हेलो क्या हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गुरु, हेलो। तो हम लोग डिनर, हेलो डिनर बना रहे हैं, हम माड़े बन रहे हैं, माड़े बन रहे हैं, देश पहाड़ी डोसा, पहाड़ी डोसा, पहाड़ी डोसा बन रहा है। ये मेरी मामी है, ये मेरी ननद बना रहे हैं, इनकी ननद बना रहे हैं, ये मेरी ताईजी है, ये मेरी मम्मी है, नानी भी निकलेगी वहाँ से अपना लहंगा पहन के। भाई कितना घेर वाला पेटीकोट है वो, पहाड़ी लहंगा है, कितना घेर वाला है बाप रे, ऐसा होता है क्या पेटीकोट? अच्छा वो तो कम गरम है कपड़ा। Guys,
सो रात हो गई है, सो जाते हैं हम। और ठंडा ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है सच में, होना तो चाहिए था बट है नहीं इतना। यहाँ भी बहुत ठंडा होता है यार, इतना टॉप का एरिया है जबकि। सो आई थिंक आज का इतना वीडियो बहुत था, वैसे भी बहुत शायद लॉन्ग ही हो जाएगा ये, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती थी, खूबसूरत सी जगह है, ऐसा नहीं है। और कल से मैं मॉर्निंग से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो बाय द वे, बहुत सुबह खूबसूरत लगता है अगर धूप अच्छी खिली तो, ऐसे तो खिलेगी, यहाँ मौसम साफ़ ही है, वहाँ की तरह नहीं है हल्द्वानी की तरह। सो आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फिर से मिलते हैं, बैक टू बैक ब्लॉग तो आ ही जाएंगे। अब थोड़ा सा अपलोड करने की यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो अभी मेरे वीडियोज जा नहीं पा रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगी। बाय।